कल्याणम नमो उपाध्यायानम नमो द्वये सब सागुणमेश पंचर मुखारो सब भाग प्रणसनो मंगलान च सत्यसिं परमं अवैमंगलम अहनम वंदे तुमान सुमीरे विचताओ बड़ी कमापि समतम असंपजामि तम जा दबो कितो कालो भावो तत्र जपोणम विचत कारणं पचकामि समत कारण मोसि पचामि नोमे कपय अजपभि अन्न उतियेव जानिव अन्न उतिय परिकाणिव अरिहंत चैयाणि वंदितैव नमंसितैव पुग्यम अनालवितैव आलवितैव संलवितैव देशिं असणं वा पाणं वा क्षयं वा सर्वं वा ताऊं वा पटाऊं वा खेतोणं इत्थं वा नत्थं वा कालोणं जाव जीवाय भावोणं जाव गहिरं वा गहिचामि जाव शरीरं न चलिचामि जाव सन्निवारिणं न विभविचामि जाव अन्येन वा केनापि रोगायं भायिना कारणेनं एष परिणामो न परिगुणै कालमे एयं सम्यक् दर्शनम् नन च रायाभियोगेणम् गणाभियोगेणम् बलाभियोगेणम् देवाभियोगेणम् गुरुनिकयेणम् वित्तिकन्तारेणम् गोशिरामि बोलो गोशिरामि अरिहंतो महादेवो अरिहंतो महादेवो जीवन सुसाउ गुरु
उपवासेण अरिहंत सख्यम सिद्ध सख्यम साहु सख्यम देव सख्यम अप सख्यम उपसर्पज्जामि अनखणभोगिणम सहसाकारिणम महतराकारिणम सर्व समाहिवत्यागारिणम घोषयामि मार्ग मार्ग अब आप सबको बैठ जाना है, बहनों को हर पुरुषों को ठीक प्रतिष्ठा देनी है, हर एक परमात्मा के सामने एक एक नमस्कार गिनते होंगे, एक प्रतिष्ठा पूरी हो, गुरु भगवंतों को वचन में बोलना है, फिर से दूसरी प्रतिष्ठा शुरू करनी है, इस प्रकार कुल 3 प्रतिष्ठा आपको देनी है। भगवान के सामने वचन वचन में गुरुवर के सामने बने
प्रदक्षिणा दे रहे हैं। चलो तपस्वी आव्या गणे रे तपस्वी आव्या गणे रे पपदा आचार्य भगवान श्रीदेव प्रभु श्री सनी महाराज भी आज शिक्षा दी जाएगी। और देखो सबके लिए पूरे पूरी अपन प्रभावना की व्यवस्था की हुई है, इस हिसाब से कोई गड़बड़ी करना है पूरा होने के बाद सरमकल होने के बाद या लाइट से आपको यहाँ पर लास्ट में जाके आपका मुकुट देते जाना है और प्रभावना ले लिया इच्छा में प्रभु आदिनाथ प्रभु के आलम्बन से ये वर्षी तप की आराधना करना है। प्रभु जब संयम को ग्रहण कर रहे थे उस वक्त प्रभु ने सुपात्र दान की विधि नहीं बतलाई थी, प्रभु ने छटका तप किया था और दूसरे दिन पाणा के लिए प्रभु तीसरे प्रहर में भिक्षा के लिए गए हैं, लेकिन प्रभु को भिक्षा नहीं मिली। वापस प्रभु भिक्षा के लिए गए हैं तीसरे दिन चौथे दिन हमेशा प्रभु भिक्षा के लिए गए हैं और प्रभु को वहां पर भिक्षा नहीं मिली। भिक्षा क्या होती है, सुपात्र दान क्या होता है, सुपात्र दान में क्या दिया जाता है, किसी को पता नहीं था क्योंकि प्रभु ने धर्म तीर्थ की स्थापना नहीं की थी। उस वक्त प्रभु की मनोस्थिति का हमें दर्शन करना है।
हमेशा भिक्षा के लिए जाते हैं और खाली हाथ प्रभु आते हैं, लेकिन प्रभु का समभाव वहां पर खंडित नहीं होता। हम होते तो विचार करते भिक्षा के लिए जाने से पूर्व यदि अवधि ज्ञान का, यदि शुद्ध ज्ञान का उपयोग दिया होता तो प्रभु भिक्षा के लिए प्रभु को जाना नहीं था, आधा घंटा एक घंटा कायस्वर्ग ध्यान में रहना था। हमारी ये मति है, हमारी ये बुद्धि है, लेकिन भगवान कहते हैं प्रभु भिक्षा के लिए जाते हैं। प्रभु ने स्वयं के लिए कभी अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं दिया है। प्रभु समझते हैं भिक्षा के लिए जाना ये साधु का आचार है, भिक्षा मिले या ना मिले लेकिन जाना ये साधु का आचार है। और इसमें पांच आचार में वीर्याचार का पालन करना है। भिक्षा की आवश्यकता हो और भिक्षा नहीं जाना, भगवान कहते हैं वो वीर्याचार का अतिचार है। प्रभु का संयम निरतिचार है और इसीलिए प्रभु अपने जीवन में अतिचार न लगे और इसीलिए प्रभु वीर्याचार का पालन करते हैं। तो बंधुओं ये वर्षी तप की आराधना चल रही है, प्रभु ने 200-400 उपवास के द्वारा ये वर्षी तप की आराधना की है, लेकिन भिक्षा नहीं मिलने पर प्रभु का समभाव खंडित नहीं हुआ है। तो हम संकल्प करें कल परसों व्याचना करने जाओगे और उस वक्त यदि अनुकूल सामग्री न मिले पंडित जी, प्रभु आदिनाथ भगवान को याद करना है, प्रभु का समभाव खंडित नहीं हुआ था तो मैं भी उसी रास्ते पर मुझे जाना है, मेरा भी समभाव खंडित नहीं होना चाहिए। यदि भोजन अनुकूल मिले तो मेरे तप में वृद्धि होगी और भोजन प्रतिकूल मिले मेरे संयम में वृद्धि होगी और मेरे तप में भी वृद्धि होगी। इस भावना के साथ हमें अनुकूल सामग्री के प्रति हमें राग नहीं करना है, भोजन की प्रतिकूल सामग्री में हमें द्वेष नहीं करना है, व्यवस्थापकों का हमें कोई निंदा भाव नहीं करना है, उनकी अनुमोदना करनी है। 7-7 वर्षों तक जो व्यवस्था करके तपस्वियों को साता पहुंचाते हैं उनकी खूब खूब अनुमोदना करनी है। हमें हमारा आत्मनिरीक्षण करना है, मेरे तप में मेरा समभाव अखंडित होना चाहिए, मेरे तप में संयम निर्मल होना चाहिए, मेरे तप में इंद्रियों का सम्यक दमन होना चाहिए, तो ये हमारा वर्षी तप सुंदर होगा। पूज्य आचार्य भगवान जिन्होंने 2-2 वर्षी तप की आराधना की है और आज भी महीने में 10-10 उपवास करके विशस्तारक तप की आराधना करते हैं, शांति इनके जीवन में है, प्रशांत भाईता इनका मुख्य गुण है और सभी को क्रियाओं में सहयोग देना ये आचार्य भगवंत का विशिष्ट गुण है। तो ऐसे पवित्र आचार्य भगवंतों के हाथों से आपके ऊपर वास निक्षेप हुआ है,
और ऐसे पवित्र आचार्य भगवंत के मुख कमल से आपको प्रत्याख्यान मिले हैं। इस तप के माध्यम से मेरी कर्म की निर्जरा हूं, कर्म से मैं लघु बनूं, भगवान आदिनाथ प्रभु का आदर्श मेरे समक्ष हमेशा उपस्थित रहे, बस इसी भावना के साथ में ये वर्षी तप की आराधना आपकी निर्विघ्न पूर्ण हो, बस यही मंगल कामना। आज का ये माहौल दादा के प्रति अपना समर्पण, दादा के प्रति अपनी भक्ति और भावनाओं को हमने समर्पित किया। समय काफी हो रहा, हमने वर्षितप को उच्चरण की क्रिया परिपूर्ण की। काफी लोग हैं जिन्होंने अभी अभी पचकान को ग्रहण किया। पचकान ग्रहण करने के बाद जैसे ये सभा विसर्जित होगी और विसर्जित होने के बाद जो है ना सबको प्यास लगी हुई होगी, हम सब जो है ना अमृत खाते में जाएंगे, वहां जाकर के वो ठंडा पानी मिलेगा। सच में देखना, जिस समय वो पानी का ग्लास मुंह पर लगेगा ना और वो पानी का पहला घुट जो उतरेगा, वो जो घुट उतरेगा और उस समय जो है ना अनुभूति कैसी होगी, एक जो है ना शांति की अनुभूति होगी, मन में जो है ना शांति मिलेगी, मन ये कहेगा हास यार पानी मिला, ठंडा पानी। यदि वो पानी जो है ना गरम गरम हो, ठंडा पानी मिले नहीं और गरम गरम पानी जो है ना लिया हो और मुंह में जो है ना जैसे ही डाले और जो ना मुंह में वो गरम गरम पानी लगे, चेहरा कैसा बिगड़ेगा। एकमात्र आज ये विचार करना है कि जिस वर्षितप को हमने स्वीकार किया, ऋषभदेव प्रभु ने जब ये वर्षितप प्रारंभ किया था, प्रभु को ये पता नहीं था कि मैं वर्षितप कर रहा हूं। आपको पता है कि आज आपका वर्षितप प्रारंभ भी हो रहा है और आपको ये भी पता है कि आपका वर्षितप कब परिपूर्ण होने वाला है। प्रभु को पता नहीं था कि मेरा वर्षितप चालू हुआ है और प्रभु को ये भी ज्ञात नहीं था कि मेरा वर्षितप कब परिपूर्ण होने वाला है। खाली कल्पना करो, 400वां दिन जब आए, अक्षय तृतीया का वो दिन था और ऋषभदेव प्रभु के सामने जब श्रेयांश कुमार खड़े हो और श्रेयांश कुमार जो है ना परमात्मा को इक्षु का रस जो है ना अर्पण कर रहे हो, और जिस समय ऋषभदेव प्रभु ने ये इक्षु रस जो है ना 400 निर्जल उपवास के बाद में पहली बार जब परमात्मा ने जो ना ये इक्षु रस को पिया होगा, क्या प्रभु ने जो ना हास किया होगा। पूरे के पूरे 400 दिन की साधना, 400 दिन के निरंतर निर्जल उपवास और वे उपवास के पालने में मिला हुआ ये इक्षु रस, पर तो फिर भी जो ना प्रभु राग के त्यागी थे। परमात्मा को जो मिला था, परमात्मा ने स्वीकार किया, परमात्मा ने वापरा, बट परमात्मा के चेहरे की एक भी रेखा जो है उसमें परिवर्तन नहीं आया था। कारण के प्रभु ने राग का त्याग किया था, कारण के प्रभु ने राग का त्याग किया था। हमारे वर्षितप के हर व्यास्ते में पहले विचार ये लाना चाहिए, प्रभु आप जब जब भी आपने पालना किया, आपके चेहरे की रेखा एक बार भी फरकी न थी। प्रभु मैं जो है ना आपके जैसे 400 निर्जल उपवास तो नहीं कर पाता, बट जिस दिन भी मैं व्यासना करूं और सुबह सुबह वो लविंग का पानी आए, सुबह सुबह में वो सूट की गोली आए, वो वापरते समय मेरे अंदर जो है ना कोई भी प्रकार का राग उत्पन्न न हो। अगर हमने इस वर्षितप में राग का त्याग किया तो समझना कि अपना ये वर्षितप सफल। यदि जो है हम राग का त्याग न कर पाए, यदि जो है ना पूरे के पूरे वर्षितप में हम मात्र और मात्र जो है ना भोजन की आसक्ति से युक्त बन करके रहे, तो किया हुआ ये तप जो है ना अपनी साधना को जो है ना सफलता नहीं देगा। किया हुआ ये तप जो है ना अपने कर्मों की निर्जरा करवाने वाला नहीं होगा। किया हुआ ये तप मात्र और मात्र क्रिया का स्वरूप लेकर के बैठेगा, आपकी जो है ना भावनाओं को ऊर्ध्वगति बनाने वाला नहीं होगा। खास याद करना, जिस दादा के दरबार में आज अपने को जो है ना पचकान लेने का सौभाग्य मिला, जिस परमात्मा के समक्ष खड़े रह करके हमारी भाव ऊर्जा को जो है ना आचार्य भगवंतों ने जो है ना ओज दिया, ये आचार्य भगवंतों के आशीर्वाद से आज जो है ना अपनी जीवन नैया, कितने ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार वर्षितप प्रारंभ करने का सोचा होगा, पता नहीं है कि पूरा होगा या नहीं होगा, पर फिर भी एक विचार किया, एक बार तो हम डुबकी लगाते हैं। याद रखना,
ये वर्षितव जो ना पूरा करना या नहीं करना ये दादा के हाथ में छोड़ना, बट इतना विचार और इतना संकल्प अपने को करना है मेरे इस वर्षितव में कोई भी प्रकार की गलत क्रिया मेरे द्वारा ना हो, छोटी से छोटी क्रिया भी मेरे द्वारा जो ना गलत ना हो। वर्षितव की उस लाइन में बैठने का अवसर मिले ना, पहला नहीं पर आखिरी मौका भी मिले ना, तो भी चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। मेरे से आगे जो बैठे ना चलेगा, वर्षितव की इस क्रिया में कोई चीज अगर ठंडी आ जाए ना, तो भी प्रेम से वापरने के लिए जो ना तत्परता दिखे वो मेरा वर्षितव है। ये ऋषभदेव प्रभु के जीवन को अगर देखो ना, उन्होंने अपने जीवन में गजब गजब की साधना की, वो साधना का अगर परिप्रेक्ष्य आप लो तो अब जाकर के अपना ये वर्षितव जो ना सफल होगा। समय की भी मर्यादा है, आज तो हम धन्य बने, इतने सारे आचार्य भगवान, इतने सारे साधु भगवान, इतने सारे साध्वी जी भगवान आपको आशीर्वाद देने के लिए बेंगलोर के अनेक अनेक क्षेत्रों से बिहार करके आए। आप लोग तो गाड़ियों में बैठ करके आए, सभी गुरु भगवान जो ना चल करके आपको आशीर्वाद देने के लिए आए। समझना ये आपका भाग्य नहीं, आपका अहोभाग्य है। इस भाग्य के जो है ना अनुमोदना करते करते आज के दिन इस वर्ष तक की पावन शुरुआत करें। आज के दिन यही मंगल शुभकामना। भगवान उमा स्वाति जी महाराज के ये वचन किस प्रकार तब करना चाहिए, तब किस प्रकार के परिणामों से होता है, ये बोध देता है। मन में जो कुछ भी इच्छा जगे अनुकूलता पाने की, उस वक्त उस इच्छा के अधीन हम न हो जाए, हम अपने आप को रोके, ये तप है। उपवास करना कठिन है और उससे भी कठिन है पारणा में समता रखना। कि उपवास के दिन तो पता कि आज उपवास है, आज खाना है ही नहीं, लेकिन व्यासना में पता कि आज तो दो टाइम भोजन मिलना है, और मन में फिर हम अपेक्षा लेकर के जाए कि मैं मुझे ऐसा भोजन मिले, वैसा भोजन मिले, अनुकूल मिले, मन चाहा मिले, पर अगर उसमें जरा सा भी आगे पीछे होगा तो मन में विकल्प खड़े होंगे। इसीलिए परमात्मा के वचनों का आलमन हर रोज याद करना है, और खास करके ब्याज का दिन विशेष रूप से इच्छा निरोधस तप, इच्छाओं का निरोध करना यही तप है। पचखान लिया, उपवास कर लिया, पचखान लिया, व्यासना कर लिया, मगर मैंने इच्छाओं पर अंकुश धारण नहीं किया, इच्छाओं के अधीन बन गया, तो ये तप मात्र जो बाह्य तप हुआ, अभ्यंतर तप नहीं हुआ। मुझे बाह्य तप के माध्यम से अभ्यंतर तप में प्रवेश करना है। इस लक्ष्य के साथ आपकी यह आराधना आपके लिए फलदायी हो, आपकी परिणति को सुधारने वाला बने, आपके इच्छाओं पर आपका अंकुश शुरू हो जाए और आप इच्छाओं पर विजय पाने वाले बने, ऐसी मंगल कामना के साथ अंतःकरण से शुभ आशीर्वाद। सामूहिक इस वर्षों की आराधना का आयोजन ये पुण्यशाली मिलकर के कर रहे हैं। 7 साल चिकपेट के अंतर्गत यहाँ पर आराधना हुई थी, और पिछले 6 सालों से चामराज पेट संघ के अंतर्गत उस तरफ उस क्षेत्र के अंदर ये आयोजन हो रहा है, व्यवस्था हो रही है। ये बहुत कठिन काम है कि 400 दिन में से मिनिमम सामान्य 200 दिन, 180 दिन कम से कम व्यासना की व्यवस्था देनी पड़ती है अगर विलंब निकाल दे तो, और इतने लंबे समय तक इतने आराधकों की व्यवस्था करनी बहुत कठिन काम है। ये खूब बड़ा त्याग है, ये भी बहुत बड़ा तप है। तपस्वी आएंगे जाकर के बैठेंगे, उनको तो व्यासना का भोजन मिल जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो तैयारी होती है, जो समय दिया जाता है, जो योगदान दिया जाता है, वो सीधे तौर पर दिखता नहीं है, लेकिन सच में इन तपस्वियों की सेवा करने वाले, व्यवस्था देने वाले आयोजकों की जितनी अनुमोदना कर इतना कम है। और ये सारा आयोजन बिना अर्थ के, बिना धन के सहयोग के संभव नहीं है। अलग अलग योजना इस आयोजन को साकार करने के लिए रखी गई है, तपस्वियों को भी अन्य तपस्वियों की भक्ति करने का अवसर मिलता है, और जो तप नहीं कर पाए वे भी इस आयोजन में लाभ लेकर के ऐसे जो करीब 200 तपस्वियों की भक्ति करने का पुण्य उपार्जन भी करके अपने जीवन में उस अंतराय कर्म का क्षय करके जीवन में तप उदय में लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो जरा भी
लोभ में न आते हुए उदारता दर्शाते हुए इन तपस्वियों की भक्तियों के लिए भक्ति के लिए जो कुछ आपसे हो सके तन से मन से धन से उदारता दर्शा करके आराधना साधना में आगे बढ़ने का प्रयास करिए।